सुन रही है, पब्लिक को वही अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करें? हम तो सुनाएंगे ना, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो हमारा तकलीफ होता हमें, अब पब्लिक को वही पसंद है तो ठीक है भाई, वही सुनो। गीत सुनाती हूँ कि नैया डोले पतैया डोले तोरा भैया डोले रे नदी मटक मटक पिया चले डगर करी हैया डोले रे नदी। हम अभी मधेपुरा में है, मधेपुरा का खुर्दा गांव है। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा हर साल यहां पर दुर्गा पूजा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में लाखों लोग आते हैं और कई सितारे आते हैं जो यहां पर अपना प्रदर्शन करते हैं। आज लाखों की संख्या में लोग आए थे और निशा जी हमारे साथ हैं। कैसा लगा मधेपुरा आकर? बहुत बढ़िया। जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने सुना था इस मंच के बारे में पर कभी मौका नहीं मिला आने का। इस बार पप्पू जी का फोन आया, भैया बोले कि इस बार बाबू आपको आना है। मैंने कहा एकदम, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इस मंच पे मुझे गाने का कुछ सुनाने का मौका मिल जाएगा। पप्पू यादव ने बुलाया, आप चली आई। यहाँ पे जो लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, जितना आप गा रही थी उससे ज़्यादा लोग डांस कर रहे थे, कैसा लग रहा था? यही तो पब्लिक का प्यार हम सभी कलाकारों को जिंदा रखता है कि जब हम गाते हैं और वो झूमते हैं ऐसा, मतलब आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर पर फील लाइक कि आह मैं तो एकदम लता मंगेशकर हूँ। तो ये प्यार हम सबको, हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। और मैं सभी पब्लिक का मैं हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग सबको प्यार देते और आगे भी ऐसे देते रहिए सभी कलाकारों को। दो लाइन दर्शकों के लिए। मेरा एक देवी गीत बहुत हिट हुआ था, बहुत प्यार मिला था मुझे कि सोने के महलिया ए मैया टूटे फूटे जई है हो कि अमर रही है ना कि हो मैया अमर रही है ना कि मैया राउर पाचारा के गीतिया सदा अमर रही है ना। इतना डिफिकल्ट रहा? बहुत मुश्किल है, और जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो फिर भी टफ था पर थोड़ा कम था, अभी तो और भी बहुत टफ हो चुका है। भोजपुरी को कहीं ना कहीं अश्लीलता से जोड़ के देखा जा रहा है, तो इसको सवाल नहीं चाहिए था मुझे। हर कोई बोल रहा है, हम पत्रकार हैं, लोगों की बात आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं ये चाय बेच रही हूँ, आप कॉफी बेच रहे हो, आपके ठेले पे भीड़ है, मेरे ठेले पे भीड़ नहीं है, तो मजबूरी में मुझे कॉफी बेचना पड़ेगा ना। सेम थिंग है कि अगर मैं अच्छा गा रही हूँ और गंदा गाने वालों का ही पब्लिक सुन रही है, पब्लिक को वही अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करें? हम तो सुनाएंगे ना, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो हमारा तकलीफ होता हमें, अब पब्लिक को वही पसंद है तो ठीक है भाई, वही सुनो। क्या पब्लिक को पसंद है वही सुनो। अगर भोजपुरी को भी बॉलीवुड की तरह बायकॉट किया जाए, बॉलीवुड को बायकॉट करके गंदी फिल्मों को चलाना बंद कर दिया गया, अगर भोजपुरी की पब्लिक भी भोजपुरी अश्लील गानों को बायकॉट करेगी तो हम उनका सबसे ज्यादा समर्थन करेंगे, पर नहीं करते। बायकॉट का ट्रेंड भोजपुरी में भी चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शुरुआत हो ताकि हम लोग उस गलत लाइन में घुसना ना पड़े। पहला बायकॉट क्या रहेगा? आई डोंट नो, ये पब्लिक का डिसीजन है, पब्लिक को जो गाना लगे कि अश्लील, लेकिन उनको लगता ही नहीं ना, मसला यही है, उनको अश्लील गाने अच्छे लगते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक अश्लीलता खत्म नहीं होगी। चलिए मधेपुरा की धरती पर आई है तो मधेपुरा के बारे में कुछ जानती है क्या? टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि पप्पू भैया यहाँ से बिलोंग करते हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं। पहली बार मधेपुरा? मैं पहली बार मधेपुरा आई हूँ, मैं पूर्णिया आई हूँ, इसके बाद सुपौल आई हूँ, इधर काफ़ी जगह पर आई हूँ पर मधेपुरा पहली बार आई। बगल में बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम है, नाम सुना? हाँ वो नाम सुना है। अभी गई है? नहीं, जाने का मौका नहीं मिला। मौका मिलता है तो जाएंगे? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? आप लोग अपना प्यार दीजिए, और भोजपुरी आपकी संस्कृति है, कोशिश कीजिए कि अच्छे गानों को प्यार दीजिए। हम लोग अच्छे गाने बनाते हैं, व्यूज नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, आप लोग अच्छे गाने सुनेंगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छा कर सके। चलिए दो लाइन अच्छा गाना कोई सुना दीजिए जाते जाते। मैंने देवी गीत सुनाया आपको, ठीक है एक लोकगीत सुनाती हूँ कि नैया डोले पतैया
निशा जी जो लगातार भोजपुरी में बनी हुई है।